गाइस, क्या हालचाल, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर अपडेट सीरीज। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 1.6 के अपडेट में क्या होने वाला है। गाइस, इस अपडेट के बारे में बीजेएम वालों ने ऑफिशियली बताया है, ठीक है। और हाँ गाइस, विकेंडी मैप आने वाला था बट वो इस वाले अपडेट में नहीं आया है। तो देखते हैं क्या वो 1.7 के अपडेट में आता है। वैसे ये सब छोड़ो, जल्दी जल्दी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सितंबर अपडेट पैच नोट्स प्रीव्यू। बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया खेलने वाले सभी खिलाड़ियों को नमस्ते। इस वीडियो में हम आने वाली अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। हर एक प्लेयर जो 1.6 वर्जन में अपडेट करेंगे उन्हें दो क्लासिक क्रेट कूपन्स मुफ्त मिलेंगे। आपको सेल मैट्रिक्स बैकग्राउंड आइटम भी मिल सकते हैं अगर आप नया अपडेट थीम वीडियो देखेंगे। ये चांस मिस ना करें। क्लासिक मोड में एलियन प्लांट्स का इन्वेजन हो चुका है। हमारा नया मोड जिसका नाम है फ्लोरा मैनस मोड, ये रेंगल में 17 सितंबर, सानोक में 18 और लिविक में 22 सितंबर को अपडेट किया जाएगा। इस मोड में एंटर करने के लिए आप मोड चेकबॉक्स को यूज कर सकते हैं। यरीलो नाम के एलियन प्लांट्स कुछ शहर में एक स्पेशल बैरियर बनाएंगे। क्या ये यरीलो अपनी एनर्जी शहर से ही लेते हैं? आपकी हेल्थ इस रिजुवेनेशन बैरियर में स्लोली रिजनरेट होगी जब आप ओपोनेंट से नहीं लड़ रहे होंगे। एलियन से लड़ाई के लिए एक स्पेशल सिस्टम आ रहा है। बैटल ग्राउंड्स में आप नाकोर्स कलेक्ट करके मिनी मैप से डायनाहेक्स सप्लाई शॉप जाके बैटल के लिए स्पेशल आइटम ले सकते हैं। एडवांस आइटम्स भी ऑर्डर कर सकते हैं जैसे गोरोजा स्पेटनेस हेलमेट एंड बैकपैक। ये आइटम्स आपको स्प्लाई कैप्सूल के द्वारा ही मिलेंगे। इरेंगल के आकाश में एक सेल मैट्रिक्स एयरशिप है। सेल मैट्रिक्स जो बचने की एक उम्मीद थी उस पे अटैक हुआ है और उससे बचने के लिए बैटल तो करना ही होगा। ये सेल मैट्रिक्स सिर्फ इरेंगल में मिलती है और इससे एंटर करने के लिए आप बी हाइव की शेप जैसे सेल्स मैप में देखने को मिलेंगी। आप ये सेल सिर्फ तब एंटर कर सकते हैं जब ये एक्टिवेटेड होगा। सेल मैट्रिक्स में लिमिटेड रिस्पॉन्स होते हैं। आपको इसी वक्त में मैट्रिक्स रोबोट और एनिमीज से लड़ना होगा। आप रैंडम वेपन से लड़ाई कर सकते हैं जो हर पीरियड में चेंज होते रहते हैं। अगर आपकी रिस्पॉन्स चांस एक्सपायर होती है तो आप सेल मैट्रिक्स से निकल के ग्राउंड पे पहुंच जाओगे। लेकिन याद रखिए, आपको नाकोर्स दोनों सेल मैट्रिक्स में और सेल मैट्रिक्स के रोबोट्स को हरा कर भी मिल सकते हैं। अगर आप मैप पे मार्क की गई लोकेशन सेल मैट्रिक्स रोबोट की तरफ जाएंगे तो आपको रोबोट्स का सामना करना पड़ेगा। उन्हें फिनिश करके आपको आइटम्स मिलेंगे। तो जल्दी ये चैलेंज लीजिए और सेल मैट्रिक्स रोबोट जगह पे जाकर अटैक कीजिए। पहले के मिशन इग्निशन मोड के कई फीचर्स फ्लोरा मैनस मोड में अवेलेबल हैं, जैसे कि राइट शील्ड, टेक्टिकल मार्किंग डिवाइस, एयर कन्वेयर, एएसएम बाकन और ऑटोमेटिक ड्रॉप। इन्हें आप बैटल में जरूर यूज कीजिए। अगर आपको कोई स्ट्रेंज आइटम मिलता है तो उसे जरूर कलेक्ट करिए। जब आप लॉबी बैनर से फेटल कंटेमिनेशन इवेंट में एंटर करेंगे तो आप एपिक पर्पल वाइन और यूरिलो स्पेसिमेन के सैंपल्स एना को सेल करके रिसर्च सप्लाई टोकन्स हासिल कर सकते हैं। याद रखना, ये सैंपल सिर्फ फ्लोरा मैनस मोड में ही मिलते हैं। ये सैंपल्स और रिसर्च टोकन्स आपको डेली मिशंस में मिलेंगे। हर वेनसडे और संडे आपको ये कार्लो के सीक्रेट स्टैश से भी मिल सकते हैं और इन टोकन्स को एक्सचेंज करने से आपको परमानेंट स्किन और कई सारे डाइवर्स आइटम्स मिल सकते हैं। लिविक में एआई का इन्वेजन हो रहा है। अपने दोस्तों के साथ टीम अप करके एआई को डिफीट करिए। आप स्क्रीन में वर्सेस एआई मोड सिलेक्ट करके स्क्वाड की तरह भी खेल सकते हैं। आपकी टीम को छोड़कर सब एआई हैं और जीतने के लिए आपको उन्हें फिनिश करके डिफीट करना पड़ेगा। गेम की स्ट्रेटजी बनाने के लिए फ्लाइट रूट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है जो कि गेम की शुरुआत में ही दिखाया जाता था। आप अब कभी भी शो रूट बटन प्रेस करके मिनी मैप में फ्लाइट रूट चेक कर सकते हैं। डेथ रिप्ले दिखाता है कि आप कैसे फिनिश हुए और हाइलाइट दिखाता है आपने कैसे अपने ओपोनेंट्स को फिनिश किया। हाइलाइट्स क्लासिक मोड में काम करती हैं और आप इन्हें मैच रिजल्ट्स, स्टैटिस्टिक्स एंड मूवमेंट्स में देख सकते हैं। खेलिए और अपने सुपर प्लेयर फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। डाइवर्स सेटिंग ऑप्शंस ऐड हो गया है। सेटिंग यूआई भी इम्प्रूव हो चुका है। अगर आप मर्जिंग क्राउचिंग एंड लेइंग प्रोन सेटिंग को एक्टिवेट करते हैं तो प्रोन की हिडन हो जाएगी और आप प्रेस करके क्राउच कर सकते हैं एंड लॉन्ग प्रेस करके प्रोन कर सकते हैं। अटेंशन स्प्रिंटर्स, स्प्रिंट सेंसिटिविटी फीचर आ गया है जिससे आप करेक्टर को कितनी तेजी से स्प्रिंट करवाना चाहते हैं ये डिसाइड कर सकते हैं। आप उस वैल्यू को 0 से 100 के बीच में रख सकते हैं।
अपने आप से ही वो 50 पे सेट रहेगी। जितनी ज्यादा वैल्यू उतना ही कम जॉयस्टिक को मूव करना पड़ेगा। एंटी एलियासिंग सेटिंग में अब लेवल्स ऐड हो गए हैं जो पहले सिर्फ ऑन और ऑफ की सेटिंग के साथ आते थे। आपको अच्छी रेजोल्यूशन पसंद है पर आपको डर है कि हीट और बैटरी की वजह से आप उसे यूज नहीं कर सकते। अब ये सेटिंग ऑफ 2x और 4x हो गई है ताकि आप अपनी डिवाइस के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकें। आप अपने बैंडेजेस को कंटिन्यूसली अप्लाई करने के लिए सेट कर सकते हैं जो आपकी एचपी पर डिपेंड करता है, या फिर मैनुअली यूज कर सकते हैं। अगर आप अलो टॉगलिंग ऑफ ट्रांसपेरेंट यूआई मोड इन मैचेस को एक्टिवेट करते हैं तो आप गेम खेलते समय गेम लोगों पे टैप और होल्ड करके ट्रांसपेरेंट यूआई यूज कर सकते हैं। आप उनको देख नहीं सकते पर लोगों को क्लिक और होल्ड करके उन्हें फिर से ओपेक कर सकते हैं। अगर आप हेडशॉट साउंड इफेक्ट को एक्टिवेट करते हैं तो आपको ऐसा SFX आएगा जिसका साउंड एक एक्चुअल हेलमेट को हिट करने जैसा होगा। फोकल लेंथ एडजस्टमेंट सेटिंग में एक नया एडिशन हुआ है। अब आप स्कोप डिस्टेंस को दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, टैपिंग या फिर होल्डिंग। स्टिकी बॉम्ब जो कैरेकिन में काफी इंपॉर्टेंट आइटम है अब ऑटो पिकअप में ऐड हो चुका है। इस नंबर को आप सेटिंग से चेंज कर सकते हैं। यूएजी और मिनी बस की ड्यूरेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। P1911 फार्मास और MK12 अरीना मोड कॉन्फ़िगरेशन में ऐड हो गए हैं। P90 MG3 और ASM बाकन अब ट्रेनिंग ग्राउंड में ऐड हो चुकी हैं। जो प्लेयर्स को अनलिमिटेड एमओ पसंद है अब ये भी ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है। फ्लैग ग्रेनेड के एक्सप्लोड करने पर कैमरा वाइब्रेशन हल्की सी इंप्रूव कर दी गई है। मल्टीपल हेल्थ रिडक्शन को जल्दी से दिखाने के लिए हेल्थ बार भी जरा सा इंप्रूव कर दिया गया है। डी ईगल का फायरिंग एनिमेशन अब स्मूथ हो गया है। करेक्टर्स की मूवमेंट भी ऑप्टिमाइज कर दी गई है और अब ये भी काफी स्मूथ हो जाएगी। कई सारी एनिमेशन और मोशंस इंप्रूव हुए हैं, जैसे प्लेन से ड्रॉपिंग, मूवमेंट और स्प्रिंट, पिवट टर्न और स्विमिंग। चैटिंग इंटरफेस के अंदर यूनिवर्सल मार्कर वॉइस में डिस्टेंस ऐड हुआ है। एनिमीज अहेड डायलॉग को भी मिनी मैप में इंप्रूव किया गया है। करेक्टर के उठने पर और साइड मूव करने पर जो स्कोप मूवमेंट था वो भी रिजोल्व कर दिया गया है। टायर प्रोटेक्शन प्रायोरिटी ऐसे अरेंज हुआ है। करियर डाटा में टायर ग्रोथ का ग्राफ और कंपैरिजन फीचर्स ऐड हुए हैं। रिवॉर्ड्स एंड अचीवमेंट्स भी ऐड किए गए हैं। यूआई, आर्टवर्क और सिस्टम्स भी इंप्रूव हो गए हैं। बड़ी आउटफिट सिस्टम ऐड हो चुका है। 28 सितंबर से प्लेयर्स के लिए बहुत सारे मोड्स आ रहे हैं। मेट्रो रॉयल मोड एंड टाइटन्स लास्ट एंड मोड, ये मोड्स लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल हैं। ओ भाई क्या गजब है यार, 1.6 का अपडेट खतरनाक। तो गाइस जैसा कि आप सबने देखा कि सेटिंग्स से लेकर कैरेक्टर के मूवमेंट्स तक हर एक चीज़ बदल चुकी है भाई। मतलब अभी तो ज़्यादा मोड्स नहीं देख सकते हो आप यार, अभी ये सभी हैं, ज़्यादा कुछ नहीं अभी, ठीक है आप देख सकते हो। लेकिन उसके बाद जो आएगा ना भाई, वो तो कतई जहर होने वाला है भाई। गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते अगली वीडियो में विथ 1.6 अपडेट के। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, साथ साथ लाइक बटन भी दबा ही देना। तो गाइस कमेंट लिखकर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ मुझे ये भी कमेंट लिखकर बता देना कि आखिर किस किस को 1.6 का अपडेट बहुत मस्त लगा है, ओपी लेवल का लगा है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, सी यू 1.6 के अपडेट में मिलते हैं। We'll be right back.